वेल दोस्तों, बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार को आपने विमल इलायची के एड में देखा ही होगा। इस विज्ञापन में खिलाड़ी कुमार बादशाह शाहरुख खान और अजय देवगन संग नजर आए। शाहरुख और अजय देवगन का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन अक्षय कुमार का ये एड करने पर सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हुए। लोगों की आलोचनाओं से घिरने के बाद अब अक्षय कुमार ने बड़ी अनाउंसमेंट की है। अक्षय कुमार ने अपने फैन से माफी मांगते हुए इस विज्ञापन से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। उन्होंने ऐलान किया कि वे अब तंबाकू ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहेंगे। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने इस फैसले के बारे में बताया है। खिलाड़ी कुमार ने इंस्टा पोस्ट में लिखा, मुझे माफ कर दे, मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूँ, मेरे सभी फैंस और शुभचिंतकों से। पिछले कुछ दिनों में आए आपके रिएक्शन ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। मैंने कभी तंबाकू को एंडोर्स नहीं किया है और ना ही कभी करूंगा। विमल इलायची के साथ मेरे एसोसिएशन को लेकर सामने आई आपकी भावनाओं की मैं इज्जत करता हूं, इसलिए मैं पूरी विनम्रता के साथ इससे पीछे हटता हूं। अक्षय कुमार ने लिखा, मैंने फैसला किया है कि मैं विज्ञापन के लिए मिली फीस को अच्छे कार्यों के लिए काम में लाऊंगा। ब्रांड चाहे तो इस एड को ऑन एयर करना जारी रख सकता है जब तक कि इसके कॉन्ट्रैक्ट की लीगल अवधि पूरी नहीं हो जाती, लेकिन मैं वादा करता हूं कि भविष्य में पूरी समझदारी के साथ विकल्पों को चुनूंगा। बदले में मैं हमेशा आपके प्यार और दुआओं को मांगता रहूंगा।